दोस्तों बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय फुकरा इंसान और मनीषा रानी के बीच काफ़ी अच्छी खासी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दरअसल दोस्तों इस समय जो है दोनों कंटेस्टेंट नहा धोकर घर के अंदर होने वाले टास्क के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। हालांकि टास्क तो क्या होगा, मिडवीक एविक्शन होने वाला है और मनीषा रानी, जिया शंकर और एल्विस भाई में से किसी एक सदस्य का मिडवीक एविक्शन होना तय है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि जिया शंकर के अलावा कोई बेगर नहीं होगा। खैर दोस्तों बात करें बिग बॉस के लाइव फीड की, तो यहाँ पर जो है मनीषा रानी जब तैयार हुई और उन्होंने अपना पजामा पहना, तो यहाँ पर फुकरा इंसान ने कहा कि यार तेरा ये जो ब्लैक वाला पजामा है ना, बड़ा सेक्सी लग रहा है यार, ऐसा पजामा मेरे पास भी है और मेरे को ऐसे कपड़े बहुत पसंद है, लेकिन मैं यहाँ लेकर नहीं आया। ये सुनकर मनीषा ने कहा कि चलो थैंक यू, कम से कम तुमने हमारी तारीफ़ की। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने फुकरा इंसान को कहा कि कम से कम तू तो नए कपड़े पहन ले, तू क्या रिपीट करता जा रहा है। लेकिन फुकरा इंसान ने वही हमेशा वाली बात कही और कहा कि मेरे पास कहाँ कपड़े हैं यार, मेरे लिए कपड़े भेजता कौन है, कहाँ से लाऊं मैं कपड़े। जी हाँ दोस्तों, फुकरा इंसान ने आज एक बार फिर से अपना वही फुकरा इंसान वाला शर्ट पहना है, पिंक वाला, जो कि वो सीजन में 3 बार पहले भी पहन चुके हैं। आज चौथी बार है जब उन्होंने ये शर्ट एक बार फिर से पहना हुआ है। खैर दोस्तों इसी के साथ फुकरा इंसान ने मनीषा रानी को कहा कि पजामा तो तेरा बढ़िया लग रहा है, लेकिन ऊपर का जो है ना वो तो चेंज कर ले, वो थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मनीषा यहाँ पर फुकरा इंसान की सुनती है या नहीं। फिलहाल आज का ये जो लुक है आपको दोनों का कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।